वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त। गोश्त को धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लें और एक कुकर में डाल दें। अब डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज और लगभग 150 ग्राम दही। मसालों में हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से खड़े गरम मसाले, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, लगभग 100 ग्राम ऑयल डालेंगे। अब डालेंगे हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें कि हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसका ढक्कन बंद करेंगे और लगभग 4-5 विसल आने तक वेट करेंगे। 4-5 विसल आ चुकी हैं, हम ढक्कन इसका खोल कर देख लेते हैं। हम इसे एक बार अच्छे से चलाएंगे, जिससे कि नीचे बैठे हुए मसाले गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। हम इसे चेक करेंगे कि गोश्त अच्छे से गला है या नहीं। हमें बहुत अच्छे से गोश्त को गलाना है, ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। हमें गोश्त को इतना ही गलाना चाहिए कि वह आसानी से कट जाए। देखिए, गोश्त आसानी से कट रहा है, इसका मतलब कि गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। चलिए हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। इसे हमें खोल कर ऐसे ही पकाना होगा जब तक कि इसकी भुनाई अच्छे से नहीं हो जाती। हम बीच बीच में चलाते हुए गोश्त की भुनाई करेंगे, जिससे कि मसाले तली में ना चिपकें। भुनाई करते हुए ही हम गोश्त में 2 तेज़पात के पत्ते डालेंगे, इनसे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, इसलिए हम इन्हें लास्ट में ऐड कर रहे हैं, जिससे कि इनकी खुशबू गोश्त में बरकरार रहे। गोश्त की भुनाई हो ही चुकी है, ऑयल मसालों से बिल्कुल अलग हो चुका है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ऑयल मसालों से बिल्कुल अलग हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आलू। यहाँ मैंने लगभग 400 ग्राम आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने छीलकर 2 पीसेस में काट लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको आलू गोश्त का गाढ़ा शोरबा पसंद है तो आप पानी कम ही डालिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ढक्कन बंद कर देंगे और 1 विसल आने का वेट करेंगे। 1 विसल आ चुकी है, हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। लगभग 10 मिनट के बाद हम ढक्कन खोल के आलू गोश्त चेक करेंगे। आलू गोश्त पककर रेडी हो चुके हैं। देखिए, ऑयल भी इस सरफेस पर आ चुका है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए, आलू गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आलू के गलने की मैं आपको एक सीक्रेट पहचान बताती हूँ, जिससे कि आपको आलू बिना तोड़े ही पता चल जाएगा कि आलू अच्छे से गल चुके हैं। देखिए, जब आलू में इस तरह से दरार आ जाए तो इसका मतलब हमारे आलू अच्छे से गल चुके हैं, हमें इन्हें तोड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। अब है सर्विंग टाइम, चलिए इन्हें सर्व कर लेते हैं। अगर आप ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स के साथ नई नई रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटा हुआ अदरक का लच्छा। फिर मिलते हैं ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ के साथ। टेक केयर।